हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ आपके सामने। और ये जो ब्रांड है बहुत जाना माना और बहुत ही पुराना ब्रांड है, बहुत ट्रस्टेबल ब्रांड है। और ये ब्रांड है आयुर कंपनी का, और इसी का सनस्क्रीन जो है मैं उसका रिव्यू करूंगी आज। और ये जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस इनकी रहती है, और सबसे अच्छी बात है कि ये आपको बहुत चीप प्राइस में मिल जाती है, आसानी से अवेलेबल होती है किसी भी स्टोर में। कहीं पे भी आप जाओगे मार्केट में तो ये आराम से आपको मिल जाएगी। इनकी प्राइस बहुत ही सस्ती होती है, और मैंने खुद इसे यूज़ किया है, और मेरी जितनी भी रिव्यूज़ रहती है वो सबसे पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ और उसके बाद आपसे उनका रिव्यू शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आपको सनस्क्रीन मिल जाएंगे, लेकिन उनका दाम बहुत ज़्यादा होता है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कोई चीपेस्ट सा खोज रहे हैं सनस्क्रीन, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इसे यूज़ किया है तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये SPF 30 के साथ आता है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि जो सन की रेज होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमें बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत बार पिंपल्स, एक्ने, डिस्कलरेशन, छाइयाँ और स्किन कैंसर जैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। टैनिंग भी इसमें से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और ये ज़्यादा मेन लोग को होता है क्योंकि वो ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो इसकी वजह से उनकी जो एक्सपोज्ड एरिया रहती है जैसे कि फेस, हैंड्स, वो बहुत ज़्यादा टैनिंग का शिकार हो जाती है। इसीलिए हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोटेक्ट करिए हमारे। इसीलिए फ्रेंड्स, आप जब भी सूरज के कांटेक्ट में जाएं तो इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये एक लेयर की तरह हमारी पूरी स्किन पर फैल जाता है और हमें प्रोटेक्शन देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये एक प्लास्टिक के बॉटल में आता है जो कि दिखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके आगे में जो ऊपर वाली पैकेजिंग है इसमें लिखा हुआ रहता है सनस्क्रीन SPF 30, और इसके अगर बैक में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है कि इसमें किस किस चीज़ को मिलाकर बनाया गया है। साथ ही इसमें आपको इसका प्राइस लिखा हुआ रहता है। ये 100 ml का होता है और इसका प्राइस जो है वो 150 है, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे हैं तो ये आपको 120 तक भी मिल जाएगा। मैंने इसे 120 में ही लिया है। इसके अलावा अगर आप इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो ये आपको 3 ईयर्स इसकी सेल्फ लाइफ भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको लगा के रखेंगे तो ये आपको 4 से 5 घंटे का प्रोटेक्शन दे देती है। उसके साथ ही ये प्रोटेक्शन का भी प्रोटेक्शन तो करती है, साथ में ये फेयरनेस का भी क्लेम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये फेयरनेस देता होगा। और ये बहुत स्टडी पैकिंग इसकी होती है, ट्रैवल फ्रेंडली है। देखिए, मैं यहाँ पे एक डेमो करके आपको दिखा रही हूँ। इसे अपने हाथों पे मैंने लगाया, बहुत ही ईजिली ये चारों तरफ फैल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, व्हाइट कास्ट ये नहीं देता है। फ्रेंड्स, इस सनस्क्रीन का बस एक ड्रॉबैक यही है कि इसमें पैराबिन को मिलाया गया है। अगर आप पैराबिन वाली चीज़ों को नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे आप टोटली अवॉइड करें। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, प्रोटेक्शन देता है 4-5 घंटे, और मोस्ट अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो ये आसानी से किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शॉपिंग वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल, तो वहाँ भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये था प्रोडक्ट का रिव्यू मेरा आयुर सनस्क्रीन को लेकर। कैसा लगा एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे का रेड कलर का बटन ज़रूर क्लिक करें और बगल वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन